अरे मेरी बात समझ आए कि नहीं आपको? तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अब तक हमने दो जगह पढ़ा है, एक हमारे पास मेसेंथिया ग्रेविस था जो लोकोमोशन और उसमें चैप्टर में था, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, और दूसरा हमने पढ़ा अभी एक्सोथर्मिक गोइटर, जिसको एक और नाम से बुलाते हैं हम लोग ग्रेव्स डिजीज, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एक होता है जेनेटिकल डिसऑर्डर, उसका मतलब क्या होता है? जो जीन के माल फंक्शनिंग के वजह से, म्यूटेशन के वजह से या जीन के अरेंजमेंट में कोई गड़बड़ी हो गई उसके वजह से हो, जीन के डिसऑर्डर के वजह से अगर होता है तो उसे जेनेटिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। और आपके बॉडी के खुद के डिफेंस सेल अगर आपसे बगावत कर बैठे, आपसे ही लड़ना स्टार्ट कर दे, उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। एग्जाम में तीन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। पहला तो आपको मेसेंथिया ग्रेविस याद करना है, दूसरा एक्सोथेल्मिक गोइटर जो अभी मैंने लिखा बोर्ड पे, ग्रेव्स डिजीज, और तीसरा याद करो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एनसीईआरटी में आर्थराइटिस है, आपको अलग से मेंशन करें, आर्थराइटिस इज डिफरेंट थिंग और रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज डिफरेंट है, सिम्टम सेम सेम लेकिन होने का कारण जो है वो अलग अलग है, ये याद कर लें। एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन आएगा डिसऑर्डर पे, तो पूछा जाएगा कौन कौन से चारों ऑप्शन में से ऑटो इम्यून है, तो उसमें तीन ऑप्शन डाल के चौथा ऑल ऑफ दीज डाल देगा। समझे नहीं समझे आप लोग? ऐसे पांच छह बीमारी का ऑप्शन डाल के बोलेगा बताओ कितने ऑटो इम्यून वाले हैं, तो आपको ये तीन तो याद रहने चाहिए। अरे मेरी बात समझे नहीं समझे आप? कौन कौन से तीन, चलो नाम बताओ, मेसेंथिया ग्रेविस, रियोमोटॉइड अर्थराइटिस और तीसरा एक्सोथेल्मिक गोइटर या फिर ग्रेव्स डिजीज। दो तो ग्रेविस ग्रेविस याद हो जाएगा, ग्रेव्स और ग्रेविस, एक रियोमोटॉइड अर्थराइटिस याद रख लो। तो इसके पीछे कहानी क्या है? ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून का बोलो मतलब क्या हो गया? जब आपके बॉडी के खुद के डिफेंस वाले सेल जब आपके ही बॉडी के नॉर्मल सेल्स को मारना स्टार्ट कर देंगे तो आपको इस तरह ऐसे का डिसऑर्डर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इसका सिंपल सा मतलब है जब अपने ही आपसे क्या कर लें, बगावत कर ले, तो इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती जब आपके अपने ही आपके खिलाफ हो जाते हैं। समझे नहीं समझे? एक बार एक सोना और एक लोहे में एक बहस छिड़ा। सोना बोलता है लोहे से कि एक बात बताओ, तुम भी पीटे जाते हो लोहार के द्वारा, मैं भी पीटा जाता हूं सुनार के द्वारा, हम दोनों ही पीटे जाते हैं, लेकिन तुम्हारी जो आवाज है पीटे जाने की, तुम्हारी जो चीख है वो मुझसे ज्यादा आती है, तुम ज्यादा चिल्लाते हो, तुम्हारे आवाज की तुम हम दोनों पीटे ही जा रहे हैं, और मेरे जब हमको कोई पीटता है तो हमारी इतनी आवाज नहीं निकलती, तो कारण क्या है? तो वो जवाब पता क्या देता है? वो बोलता है कि तुम जिससे पीटे जा रहे हो वो लोहा है और मैं भी जिससे पीटा जा रहा हूं वो भी लोहा है, तो मैं इसलिए ज्यादा चिल्लाता हूं कि मुझे पीटने वाला मेरा अपना है, लेकिन तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता ना, तुम तो सोना हो और तुम्हें लोहा पीट रहा है और मैं लोहा हूं मुझे लोहा ही पीट रहा है, तो अपना पीटता है तो भाई तकलीफ बहुत होती है। अपना जब गद्दारी करता है ना, जब अपना धोखा करता है ना, तो तकलीफ अंदर तक होती है भाई, दिल से बुरा लगता है यार। समझे? दिल से बुरा लगता है, समझे? आंसू आ गए क्या बच्चों तुम्हें? अच्छा आंख आया, आंसू नहीं आया, ठीक है। समझे? समझे नहीं समझे? उस पेड़ का कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। समझे? बात समझे? समझे? वो पेड़ कटने पे पता है क्यों रोता है? ये उसको काटने वाला वो लोहा के साथ पीछे लकड़ी का डंडा लगा होता, तो वो लकड़ी ही लकड़ी को काट रहा है। समझ रहे? तो अपना भाई बहुत तकलीफ देता है यार, क्या करोगे, दुनिया ही ऐसा है, इसलिए थोड़ा प्रिपेयर हो। तो बड़ी मार मारेंगे तुम लोग। चलो ये बात समझ में आ गई, ओके। अब इसमें होता क्या ये भी जान लें आप लोग। भाई इसमें सबसे बड़ा वो कह रहे हैं सिम्टम जो है ना, प्रोट्यूशन ऑफ आई, आंखें बाहर आ जाएंगी इस बीमारी में, आंखें बाहर आ जाएंगी भाई, मतलब यूनिक ही बाहर आके गिर जाएगी, ऐसे नहीं है, आंखें प्रोड्यूशन का मतलब होता है कि बस बल्ज हो जाएगा, ये आंख जो है ना अजीब सा ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा, अ काइंड ऑफ कॉन्जुरिंग 3-4 ऐसे टाइप भयानक वाला सीन हो जाएगा, ठीक है, इसमें ये होता है। दूसरा, बॉडी का वेट लॉस खतरनाक वाला, वो इंसान बहुत दुबला पतला हो जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं जितने दुबले पतले लोग हैं वो सोचा हमको यही हो गया है, मैंने बार बार बोला है अलग अलग बीमारियों के अलग अलग सिम्टम हो सकते। एक बार मैंने ऐसे ही पढ़ाया था, एक को क्लास के बाद आके बोलता सॉरी सर अब मैं नहीं बचूंगा। मैं क्यों सर, मैं तो दुबला मुझे तो ये हो रखा होगा ना। मैं कहा अबे गधे, उसके अलावा मैंने ये सब भी बोला था, प्रोटीजन भाई तेरी आंख तो ठीक है ना सर, वो तो बहुत बढ़िया है, तो बेटा कहाँ हो गया तेरे को, फिर खाया पिया करना, ऐसे गोइटर बोल के थोड़ी बच जाएगा तू, ठीक है। तो ऐसी बातें नहीं होती, और भी बहुत चीजें मैटर करती है। अरे समझ आया कि नहीं आया सारी बातें?
आ गया। तो पहले दो डिजीज कवर करें, इसको मैं नोट्स के फॉर्म में लिखवा देता हूं, याद होगा आपको, है ना। चलिए नोट कीजिए पहले इसको। बोलो समझ आया कि नहीं आया बच्चा, कब आंसर एक्सोथर्मिक दोगे और कब गैटर दोगे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो सिम्टम्स की बात करते हैं, सिम्टम्स पे ध्यान देंगे, इसके सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। अब किसी व्यक्ति के अंदर थायरोक्सिन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार बताओ थायरोक्सिन जब मॉडरेट था तो उसके अंदर बॉडी के अंदर जो बीएमआर था, मतलब मेटाबॉलिज्म जो था, वो मॉडरेट था। लेकिन अगर थायरोक्सिन एक्सेस हो गया तो सबसे पहले क्या बढ़ गया बॉडी में, बीएमआर बढ़ गया। और आपको पता होना चाहिए कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो हमारे बॉडी के किस चीज को मैनेज करने काम करता है, कैलोरी को। किस चीज को मैनेज करता है बच्चा, कैलोरी मैनेज करता है। अगर थायरोक्सिन ज्यादा है, मतलब थायरोक्सिन अगर मॉडरेट निकल रहा है आसानी से, मतलब नॉर्मल, हम सब अभी जितने लोग बैठे हम सब नॉर्मल है, हमें थायराइड किसी को नहीं है मान लेता हूं मैं, तो आपके बॉडी में जो भी कैलोरीज हैं आप खा रहे हो, जो भी बॉडी में कैलोरीज जमा हो रहे हैं आपके, वो नॉर्मल तरीके से टूटेंगे और नॉर्मल तरीके से आपके बॉडी में एनर्जी का रिलीजिंग होगा। लेकिन अगर आपको ये बीमारी हो जाता है, इसके शिकार हो चुके हो, तो आपकी कैलोरी बॉडी में एकदम से बहुत ज्यादा अमाउंट में टूटनी स्टार्ट हो जाएगी। जो कैलोरी बॉडी में स्टोर होनी चाहिए थी वो भी टूटनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा तो आपके बॉडी में अल्टीमेटली कैलोरी बचेगा ही नहीं, और अगर बॉडी में कैलोरी नहीं बचेगा तो बॉडी लीन हो जाएगा, बॉडी एक्सेसिव दुबले पतले हो जाओगे, बॉडी बहुत हद से जाली होगी, क्योंकि कैलोरी है नहीं, कैलोरी है नहीं तो मसल्स डेवलपमेंट नहीं होगा, फैट डिपोजिशन नहीं होगा, और ये सब चीज नहीं होता, आप हेल्दी कहां से नजर आओगे, आप तो बहुत एक्सेसिव दुबले पतले लीन नजर आओगे। दूसरा इफेक्ट कहां पड़ता है, बीएमआर बढ़ जाएगा। अब जो रिएक्शन को मॉडरेट होना चाहिए था वो बहुत तेज होने लगा। मान लेते हैं आपके बॉडी में आप खाना खाते हो, आपको एब्जॉर्प्शन करना है, उसको नॉर्मल स्पीड में होना चाहिए था, लेकिन बीएमआर बढ़ गया, वो ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी बॉडी के सेल्स तैयार नहीं, एब्जॉर्प्शन पहले ही हो गया, तो वेस्टफुल है ना काम, तो वो तो बेकार है। मेरी बात नहीं समझे, मान लेता हूं कि यहां पे टाइमिंग 10:30 से 12 की है पढ़ाने की, आपको आप 10:30 में आते हो बायोलॉजी पढ़ने, और यहां मैं पता नहीं किसी को भी 10 से 10:30 पढ़ा के भेज दूं, तो आप तो नहीं आए ना, मतलब आपके आने से पहले मैंने पढ़ा दिया, तो आपका तो वर्थफुल हुआ नहीं प्रोडक्ट। सेम ऐसी है, एब्जॉर्प्शन पहले हो गया, बाकी सेल रेडी नहीं थे, तो ये वेस्टफुल हो गया प्रोडक्ट। समझ नहीं समझे, तो इसमें एक बॉडी का लीन होना, थकान बहुत ज्यादा होगा, थोड़े थोड़े काम में इंसान क्या हो जाएगा, थक जाएगा, क्योंकि एनर्जी बची नहीं रहा है, कैलोरी तो खत्म ही हो गया सारे बॉडी का, नहीं समझे। स्वेटिंग, एक्सेसिव पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, और बॉडी तो ऑलमोस्ट खत्म, हेयर लॉस वगैरह सब, मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा इसमें। इसलिए इसका नाम क्या है, ग्रेव्स। और ये कौन सा डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो, अच्छा तो ये लिख लिया ना, एक्सेसिव थायरोक्सिन सिक्रीशन, ये मैं वैसे शॉर्टकट में लिखवा रहा हूं लेकिन आप डिटेल लिखोगे, एक्सेसिव थायरोक्सिन सिक्रीशन विच लीड्स टू इंक्रीज इन बीएमआर, लिखो मैं लिखवा देता हूं, एक्सेसिव थायरोक्सिन सिक्रीशन, अगर आपने ये लिख लिया छोड़ दोगे, अदरवाइज मैंने लिख पाया तो मैं लिखवा रहा हूं, एक्सेसिव थायरोक्सिन सिक्रीशन विच लीड्स टू इंक्रीज इन बीएमआर, विच लीड्स टू इंक्रीज इन बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, हाँ, विच लीड्स टू इंक्रीज इन बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, which causes excessive sweating, tiredness, sweating, pasina aana, excessive sweating, tiredness, thakan ka hona, sweating, thakan, body become lean, dubla patla sharir ho gaya, बॉडी बिकम लीन, ठीक है, ये सब इसका अपने, हाँ, हार्ट बीट रेट इंक्रीज्ड, अरे भाई तो बहुत मेन था, हार्ट बीट रेट इंक्रीज, दिल का धड़कन बहुत बढ़ जाएगा, हार्ट बीट रेट इंक्रीज, ये आपके कुछ सिम्टम्स होंगे इस डिजीज के, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ये चीज याद करके रखनी है। अरे बात समझ आई नहीं आई, तो दोनों गोइटर को मैंने पैरेलल लिखवा दिया है, अच्छे से याद रखेंगे। और ये तो नोट पॉइंट है कि भाई थायरोक्सिन क्या मैनेज करता है बॉडी में, सबसे ज्यादा कैलोरी मैनेज करता है, क्या मैनेज करता है, कैलोरी मैनेज करता है। अगर नॉर्मल थायरोक्सिन तो बॉडी के अंदर नॉर्मल कैलोरी टूटेगा तो नॉर्मल एनर्जी रिलीज होगा, क्लियर होगी बात यहां तक, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोलो, चलो बच्चा। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में दूसरी कौन सी बीमारी है वो भी डिस्कस करते हैं।
हाइपोथायरायडिज्म में दूसरी जो बीमारी है वो बच्चों के अंदर होती है और उसे बुलाते हैं केराटिज्म। केराटिज्म बुलाते हैं उसको, क्या बुलाते हैं बच्चा? केराटिज्म, केराटिज्म या केराटिज्म, ठीक है, उसको भी इंपॉर्टेंट स्टार लगाएं। ये चाइल्डहुड में होता है बच्चों को, ये चाइल्ड है, ये बाकी डिजीज मैंने अभी एडल्ट के बताए आपको, ये चाइल्ड वालों का है, बच्चों को होता है। इसमें क्या होता है कि अगर अगर मदर जो है इस हाइपोथायरायडिज्म की शिकार है और वो प्रेग्नेंट है, बच्चा है उनके अंदर जो है, बच्चा एम्ब्रियो फीटस जो है वो रेडी हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, तो उस मदर, उन मदर के वजह से उस बच्चे के अंदर भी थायराइड की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और उस थायराइड की कमी की वजह से बच्चे को एक बीमारी हो जाएगी, उसे क्या बोलेंगे? केराटिज्म या केराटिज्म। इसमें क्या होगा, वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड जन्म होगा उसका, मतलब वो दिमाग से थोड़ा सा कम होगा, बुद्धि मंद बुद्धि टाइप बच्चा होगा, ठीक है। हाँ, दिमाग से पैदल होगा नहीं, ऐसे तो बहुत लोग होते, तो हर कोई इसका शिकार थोड़ी ना होता है, ये नहीं कह सकते। दिमाग मंद बुद्धि मतलब रिटार्डेड माइंड होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा, ठीक है। उसकी थोड़ी मुंह वगैरह ऐसे जो खुली रहेगी, ऐसे मुंह खुला रहता है ना बच्चों का, ऐसे देखोगे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मुंह वगैरह खुला रहता है, तो वैसे टाइप के होंगे, एबनॉर्मल टाइप ऑफ जो है बच्चे का जन्म होगा, वो बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है, उसे केराटिज्म होता है कहते हैं। इसमें भी क्या है, थायरॉक्सिन की कमी, ये भी थायरॉक्सिन की कमी के वजह से ही होता है, ठीक है। आखिरी है मिक्स एडिमा, आखिरी है मिक्स MYX एडिमा। आज से कहीं भी अगर एडिमा वर्ड सुन लो, एडिमा, एडिमा का मतलब होता है मोटापा। क्या होता है? मोटापा। एक्सेसिव इंसान जब मोटा हो जाता है तो उसके लिए कौन सा बायोलॉजिकली टर्म यूज करते हैं? एडिमा। वो भी किस वजह से होता है? तो थायरॉक्सिन के कमी के वजह से। लेकिन ये किसमें होता है? इन अडल्ट्स। किसमें होगा? अडल्ट्स। वो सुने होंगे ना, सूजन वगैरह हो गया, चेहरा सूज गया, हाथ पांव सूज गए, वो वाला कंडीशन इसमें होता है। और ये जनरली कहां होता है? तो महिलाओं के अंदर, इन फीमेल, ये फीमेल में पाया जाता है मिक्स एडिमा, ठीक है। तो मिक्स एडिमा फीमेल में होता है, अडल्ट में होता है, अडल्ट फीमेल में होता है, बच्चों में नहीं होता, छोटे बच्चों वगैरह लड़कियों वगैरह में नहीं होता, ये फीमेल में होगा, अडल्ट में। बहुत सारे इसके डिटेल मैकेनिज्म है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको इतने डिटेल मैकेनिज्म के नहीं पढ़ना है, बस एज इट इज आपको ये थोड़ी बहुत बातें जान लेनी होगी, है ना। ये समझ आ गया, गोइटर समझ आ गया, क्रेटिज्म समझ आ गया, बच्चों में होता है, थायरॉक्सिन की कमी की वजह से होता है। आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन सी बीमारी हाइपोथायरायडिज्म की है, तो क्रेटिज्म, मिक्स एडिमा, गोइटर, और कौन सी बीमारी जो है हाइपर वाली की है, तो क्या दोगे? एक्सोथैल्मिक, गोइटर या फिर ग्रेव्स। बस ये छोटी सी बात थी, आपको डिसऑर्डर में नोट कर लेनी है और इसका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा थायराइड हार्मोन अच्छे से खत्म हो गया। अरे बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? I2 के बाद डेफिशिएंसी है, ठीक है, समझ आ गई बात। अब स्टार्ट करते हैं पैराथायराइड हार्मोन। चलिए, सो आवर द नेक्स्ट टॉपिक इज पैराथायराइड हार्मोन। कॉपी करें इसको पहले। हाँ, नेक्स्ट है बच्चा पैराथायराइड हार्मोन। देखो, आप यूं समझ सकते हो, सुनो मेरी बात, ये बड़ा भाई था जिसका छोटा भाई क्या है? पैराथायराइड हार्मोन। कोई आपसे ये पूछे, मेरी बात सुने, थायराइड हार्मोन कितने तरह के हार्मोन को रिलीज करता है, बताओ? सर दो, सर दो, पहला थायरॉक्सिन और दूसरा नलायको, दूसरा कैल्सीटोनिन। हाँ, पढ़ाई तो बहुत हो रही है ना घर पे, बहुत पढ़ रहे हो, जी तोड़ मेहनत कर रहे हो लग रहा है। अच्छा ठीक है, अभी टेस्ट लूंगा मैं, अभी तुम्हें अकल ठिकाना नहीं आ रहा ना, रुक जाओ ही बताता हूँ। हाँ भाई, तो भाई पहला हार्मोन कौन सा था? थायरॉक्सिन। कौन से सेल से निकलता था? फॉलिकुलर सेल के अंदर से निकलता था थायरॉक्सिन, जो कि थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन के कॉम्बिनेशन से तैयार हुआ था। उसी के बगल में था स्ट्रोमल टिश्यू, और स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर थे सेल्स, और उन सेल का नाम था पैराफॉलिकुलर सेल, और उस पैराफॉलिकुलर सेल से रिलीज होता था कैल्सीटोनिन। बहुत डिटेल समझाया था मैंने, कैल्सीटोनिन क्या करता था? मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। कैल्सीटोनिन क्या करता था बालक? मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। वो ब्लड के अंदर से कैल्शियम आयन्स को निकालता था, वो ब्लड के अंदर से फॉस्फेट आयन को निकालता था, और उठा के सारा हड्डी के ऊपर, आपके बोन के ऊपर डिपॉजिट करा दिया करता था। कौन? कैल्सीटोनिन। इससे क्या होता था? आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती थी, वो इसके वजह से ही होती थी। अगर हड्डी कमजोर है मतलब कैल्सीटोनिन की कमी है, मतलब थायराइड की गड़बड़ी हो रखी है आपको, तभी इसकी वजह से हड्डी क्या हो रखी है आपको, आपकी हड्डी कमजोर। तो कैल्सीटोनिन ब्लड से
कैल्शियम को और फॉस्फेट को निकाल के बोन्स पर डिपॉजिट करता था। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कैल्सिटोनिन जो है ये मिनरलाइजेशन ऑफ कैल्शियम सॉरी बोन मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या आपको ये मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? तो गधो, अगर आपसे कोई पूछे कि थायराइड हार्मोन क्या सिर्फ थायरोक्सिन का ही खेल खेल सकता है, तो कतई नहीं। वो थायरोक्सिन के साथ साथ कैल्सिटोनिन का भी खेल खेल सकता है। हाँ, बस अंतर यही है कि थायरोक्सिन का निकलने का रास्ता और जो सेल है वो, और कैल्सिटोनिन का निकलने का रास्ता और जो सेल है वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। अगर एग्जाम में आए पैराफॉलिकुलर सेल तो जवाब क्या दोगे? कैल्सिटोनिन। अगर आए फॉलिकुलर सेल तो जवाब क्या दोगे? थायरोक्सिन। अगर आए थायराइड हार्मोन तो जवाब थायरोक्सिन भी दोगे और कैल्सिटोनिन भी दोगे, और काम बहुत अलग अलग था। नहीं समझ में आपको ये सारी बातें? क्लियर है? तो भैया पैराथायरॉइड की क्या कहानी है? भैया पैराथायरॉइड क्या कहानी है? पैराथायरॉइड जो है ना, ये एक तरह से एंटागोनिस्ट होता है थायरॉइड के। थायरॉइड के विपरीत काम कर देता है थोड़ा सा। क्या विपरीत करता है? अब ये खुद सोचो, कैल्सिटोनिन ब्लड में से कैल्शियम को निकाल के बोन के ऊपर डिपॉजिट करता था। पैराथायरॉइड ग्लैंड का जो हार्मोन, जो पैराथार्मोन है, वो बोन में से कैल्शियम को निकाल के वापस ब्लड में वो कर देगा। क्या कर देगा? मतलब डिपॉजिट कर देगा, उसको ब्लड में डाल देगा। नहीं समझे? अरे वापस उसको उसके अंदर क्या करेगा? शिफ्ट कर देगा, ताकि ब्लड के अंदर क्या बढ़ जाए? कैल्शियम बढ़ जाए। अब ब्लड में कैल्शियम बढ़ने का फायदा, भाई पूरा ब्लड जो है वो मसल से कोऑर्डिनेट होगा। आपको पता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के लिए सबको किसकी जरूरत होती है? कैल्शियम। तो अल्टीमेटली अगर आपके बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई है, तो वो कौन सा माले काम करता है? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन देखता है बहुत हो गया ब्लड से हड्डी तक पहुंचाने का काम। अब अगर हड्डी पे ध्यान दिया जाएगा तो मसल्स गबड़ा जाएगा, तो मसल्स को भी समझाना है, तो फिर वही बॉडी के अंदर दूसरा हार्मोन स्विच हो जाएगा, और वो कौन सा स्विच हो जाएगा? पैराथार्मोन। उसको कहा जाएगा, जा बेटा कैल्सिटोनिन का जो काम है उसको रोक और अपना काम उल्टा स्टार्ट कर दे। नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे तुम? तो वो क्या करेगा? जाके मना करेगा कैल्सिटोनिन को कि बस कर, बहुत हो गया तेरा, ब्लड से कैल्शियम उठा के तू वहां पहुंचाया जा रहा है, हड्डी मजबूत हो रही है लेकिन यहां ब्लड को जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं हो पा रही है, अब इस काम को रोक दे, मत पहुंचा, और जो बोन का कैल्शियम बल्कि उसको भी थोड़ा बहुत क्या कर ले, अपने अंदर मंगा ले। मेरी बात नहीं समझे? इसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट। साइंस में एक शब्द आता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विपरीत। ये बोलो राइट, मैं बोलूंगा लेफ्ट, ये एंटागोनिस्ट है। ये बोलेगा आप मतलब डाउन, ये एंटागोनिस्ट है। ये बोलेगा कैल्शियम वहां से वहां डालो, कहेगा नहीं वहां से उल्टा डालो, ये एंटागोनिस्ट है। ये वर्ड का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? एक होता है एंथ्रोपोजेनिक और एक होता है एंटागोनिस्ट। कंफ्यूज मत होना। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब वो कोई भी एक्शन, वो कोई भी काम जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो जाए उसे बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक, और एंटागोनिस्ट का मतलब वो कोई भी काम जो विपरीत तरीके से हो, अपोजिट तरीके से हो, उसे क्या बोलोगे? एंटागोनिस्ट। तो पैराथायरॉइड हार्मोन क्या है बच्चा? एंटागोनिस्ट टू थायरॉइड हार्मोन, एंड पैराथार्मोन इज एंटागोनिस्ट टू कैल्सिटोनिन। पैराथार्मोन इज एंटागोनिस्ट टू कैल्सिटोनिन। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया ना? नहीं आया ना? पक्की बात है? श्योर हो? चलो अब आप लोग अगर थोड़ा बहुत याद हो, थोड़ा बहुत भी अगर आपके दिमाग, आपके घुटने काम कर रहे हो, पैराथायरॉइड हार्मोन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है बाड़ा? चलो बताओ। पेप्टाइड हार्मोन, पीटीएच हार्मोन बोलते हैं इसको, या फिर पैराथार्मोन। पैराथार्मोन है ना, पीटीएच भी बोल सकते हो और आप इसको पैराथार्मोन भी बोल सकते हो। लोकेशन क्या होता है इसका? डॉर्सल या वेंट्रल ऑफ थायरॉइड बताओ। हाँ, वेरी गुड, डॉर्सल साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, या फिर ट्रैकिया का भी डॉर्सल साइड बोल सकते हो, क्योंकि थायरॉइड किस पे था? ट्रैकिया पे था। तो डॉर्सल साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड हैविंग 4 लोब्स। कितने लोब्स थे इस पे? 4। ये 4 पे आया हुआ है सवाल, तो ये 4 सवाल, 4 लोब का सवाल, 4 नंबर देके जाएगा। अरे भाई अगर नीट में क्वेश्चन आ गया तो ये 4 लोब का सवाल कितना नंबर दे देगा आपको?
चार, तो ध्यान रखिएगा इसको, चार लोब होते हैं। थोड़ा डायग्राम अगर आपको याद दिलाऊं तो याद है डायग्राम, थोड़ा सा आपको याद है कि नहीं है? पीछे के साइड से मैंने कहा था कुछ ऐसा दिखता है आपका थायराइड हार्मोन, कुछ ऐसा याद आया? एक लोब यहां पे, बड़ा सा लोब यहां होगा, एक लोब यहां पे इस तरीके से होगा, दूसरा यहां होगा और तीसरे चौथे यहां होंगे। ठीक है जी, ये कौन सा साइड है? डॉर्सल। और बीच में कौन पास कर रहा है आपका, एकदम सेंटर से कौन जा रहा है? ट्रैकिया। यहां कौन जा रहा है बच्चा, बोलो ना? ये आपके ट्रैकिया जा रहे हैं यहां पे ऐसे, ये ट्रैकिया आपके यहां पे पीछे के साइड से, मतलब ये पीछे के साइड और ये आगे के साइड ट्रैकिया आपका। समझे नहीं समझे मेरी बात को? ये हाइलिन कार्टिलेज बनाया मैंने सर्कुलर फॉर्म में, समझ गया? ये ट्रैकिया हो गया और ये इसके साइड में क्या हो गए चारों, पैरा थायरॉइड ग्लैंड। कितने लोब में होते हैं? चार। बस ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, इसको लोब बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं इसको? लोब बोलते हैं। क्लियर होगी बात? हार्मोन समझ में आ गया? काम क्या है, काम बताओ। हाँ, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर ये बढ़ाने का काम करता है क्या? कैल्शियम। अब ये कैसे बढ़ा सकता है? ये जरूरी नहीं है कि बोन से छीन के बढ़ाएगा, ये जरूरी नहीं है, ये बहुत तरीके से कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी यूरिन में कैल्शियम रिलीज हो रहा है, आपकी यूरिन में कैल्शियम रिलीज हो रहा है, अगर आपकी यूरिन में कैल्शियम रिलीज हो रहा है तो क्या करेगा? अगर रोक देगा, बोलेगा ना ब्लड को आवश्यकता है, मैं तुझे बाहर जाने नहीं दूंगा, यही रुक, काम करना है तेरे को बहुत ज्यादा। तो वो ब्लड के जो यूरिन से जो हमारा कैल्शियम पास होना चाहिए था वो उसको पास नहीं होने देगा, नहीं समझे? अगर मान लेते हैं डॉक्टर ने आपका टेस्ट किया, आपकी यूरिन में कैल्शियम बहुत निकल गया, मतलब एक अमाउंट से ऊपर निकल रहा है, तो डॉक्टर को क्या शंका हो जाएगा? डेफिनेटली आपका कौन धोखा दे रहा है? आपका पीटीएच आपको धोखा दे रहा है। अरे नहीं समझे क्या? धोखा दे रहा तभी ना उसको रोक नहीं रहा है और वो निकल जा रहा है वहां से, तो इसका काम गड़बड़ा गया है। समझे नहीं समझे? ठीक है। अच्छा, अगर पीटीएच ज्यादा हो गया तो क्या नुकसान कर सकता है सर? ऑस्टाइटिस एक बीमारी होती है, ऑस्टाइटिस हड्डी का कमजोर हो जाना। अब अगर मान लेते हैं आपका पीटीएच ज्यादा हो गया, ऑस्टाइटिस फाइब्रोसिस्टिक बोलते हैं उसको बीमारी को पूरा, अगर वो ज्यादा हो गया आपका पीटीएच, तो वो बोन से इतना कैल्शियम निकाल देगा बेटा, इतना कैल्शियम निकाल देगा कि बोन पर से कैल्शियम खत्म। अगर बोन पर से कैल्शियम खत्म हो जाएगा तो बोन जो हड्डी वो जाली जैसा दिखेगा, अंदर के टिश्यू बचेंगे, हड्डी तो खत्म, तो हड्डी उल्टा में क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, तो टूटने के चांसेस उसके क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे और हड्डी टूट सकती है आपकी। नहीं समझे मेरी बात को? अरे लॉजिकली सोचो बेटा, रटना नहीं है। तुम इतना पता है कि भैया कैल्शियम खेल कर रहा है तो या तो मसल्स को अफेक्ट कर सकता है, अभी रिसेंटली मसल पढ़ाया मैंने आपको, कॉन्ट्रैक्शन लेसर मायोसिन एक्टिन वगैरह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब बताया मैंने आपको, तो या तो मसल का खेल करेगा या फिर बोन का करेगा सर। अगर बोन से निकाल के कैल्शियम पहुंचा रहा ब्लड में, मतलब बोन को परफोरेशन कर रहा बोन का, बोन के अंदर जो जालीनुमा जैसा बोन बना दे रहा है उसको, अगर बोन जालीनुमा जैसा हो गया, अंदर मैरो तक दिख रहा है, सोचो इतना उसको जाली बना दिया, इतना कमजोर कर दिया, फ्रेजाइल टूट जाएगा, खत्म, हड्डी खत्म, कहानी खराब। नहीं समझे? इसलिए पैराथॉर्मोन का एक अमाउंट में होना बहुत जरूरी है, लेकिन डायरेक्ट ऐसा नहीं हुआ तो फिर डायरेक्ट इफेक्ट कहां दिखेगा आपको? सीधे बोन के ऊपर। लॉजिकली समझ आया कि नहीं आया? इसको कॉपी करें, फिर इसके भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिखवा देता हूं। चलिए देखो, मैंने कहा था ना आपसे, सबसे मेजर ग्लैंड जो है वो थायराइड ही है, उसको ही डिटेल समझना पड़ता है। एक थायराइड, एक एडर्नल आएगा, उसके बाद दो ही ग्लैंड है जो आपको सबसे ज्यादा टाइम लगाते हैं, ठीक है, और एक जीएनआरएच जो आपको समझाई दिया है, जीएनआरएच एलएचएफएसएच वाला, अरे वो गोनेडिक हार्मोन जो थे वो तो समझाई दिए ना, तो वो दो चार ही बड़े बड़े होते हैं, बाकी सब बहुत छोटे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इधर ध्यान दो, मैं आपको ये कहता हूं बेटा कि मेरे पास ये ब्लड है, क्या है? ब्लड, और ये है बोन। अब बताओ मुझे, यहां से यहां कैल्शियम का ट्रांसफर करना है, कौन सा हार्मोन काम करेगा? कैल्सिटोनिन करेगा, ऑफ कोर्स कैल्सिटोनिन करेगा। उसका नाम क्या होता है? टीसीटी। क्या नाम होता है? थायराइड कैल्सिटोनिन। सिर्फ कैल्सिटोनिन मत बोलो, थायराइड बोल दो, ताकि ये समझ जाए कि थायराइड से रिलीज होता है। अगर मैं यू बोलूं मूवमेंट अब कुछ ऐसा हो रहा है, तो बताओ यहां कौन काम करेगा? हाँ, यहां कौन काम करेगा? पी टी एच।
एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ऐसे एरो बना देगा, ठीक है, यहां दे देगा ए और यहां दे देगा बी और बोलेगा ए और बी का ऑप्शन लिखो क्या है। तो मान लेते हैं आपको ए लिख दिया ऐसे, ए लिख दिया पीटीएच और बी लिख दिया टीसीटी ऐसे, या फिर ए लिख देता आपका कुछ और भी हार्मोन, जैसे मान लेते हैं अडरनल कोई हार्मोन लिख दिया अडरनल हार्मोन ऐसे, बी लिख देता है कोई थायरोक्सिन हार्मोन ऐसे, कुछ भी आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान से रखना है कि यहाँ ए क्या होगा टीसीटी होगा और बी क्या होगा पीटीएच होगा। तो ये आपको ध्यान से चुनना है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं हार्मोन वाले चैप्टर से, कराऊंगा मैं अभी, कराई देता हूँ क्वेश्चन कुछ, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये लास्ट यही पॉइंट नोट कर लो, और इसके कंसेप्ट मैंने लिखवाई दिया आपको, क्या कहाँ से रोक देगा एब्जॉर्प्शन, जितने भी हमारे कैल्शियम उनके एब्जॉर्प्शन कराने स्टार्ट कर देगा। अरे बोला ना, अब मान लेते हैं जो कैल्शियम यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है, ठीक है, उसको जाने से रोकना है, तो तुम क्या करो, उसको रास्ते में सारा एब्जॉर्ब कर लो, नहीं समझे, अरे रास्ते में सब क्या कर लो, उसको एब्जॉर्ब कर लो। अब अगर कैल्शियम को तुमने रास्ते में एब्जॉर्ब कर लिया पीसीटी से, तो वो फिर यूरिन के माध्यम से बाहर, अरे नेफ्रॉन याद आ रहा है, किडनी चैप्टर याद आ रहा है, नेफ्रॉन पढ़े थे, यूनिट ऑफ किडनी, पीसीटी था, लूप ऑफ हेनले था, डीसीटी था 10th क्लास में, लाइव प्रोसेसेस। अभी तो खैर मैंने भी नहीं पढ़ा एक्सक्रीशन, लेकिन 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ के तो आए होगे, या 10th ड्रॉप करके आए हो, 9th सॉरी क्या कहते हैं उसको, एक स्किप करके आ गए हो 9th के बाद 11th में आ गए हो, एक लाइव प्रोसेस चैप्टर था ना, तो बस इतना तो याद होगा। तो उसमें ये चीज था आपका अच्छे से मेंशन कि पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यू टिब्यूल वगैरह सब, रीएब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन वगैरह। ए बस भाई चर्चा नहीं करना, यही पूछा था मैंने आपको, ठीक है। चलो टेक आउट योर एनसीईआरटी बुक फटाफट, चला देता हूँ। एनसीईआरटी बच्चे सारे किताब निकाले, सारे बच्चे एनसीईआरटी निकाले, अभी क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे, प्लीज शांति, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, बोलो ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, एक्सोथेलमिक गोइटर, दूसरा नाम क्या होता है इसका, ग्रेव्स डिजीज, गोइटर, केराटिनिज्म और मिक्सिडेमा, ये किसका होता है, हाइपो का होता है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बता सकते हैं आप लोग, वैसे तो ये वाला बताओ मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन सिक्रीट बाय थायराइड ग्लैंड, इसका क्या मतलब है, थायराइड ग्लैंड से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो निकलता है जिसके अंदर आयोडीन नहीं होता है। तो थायरोक्सिन में तो आयोडीन होता है, अच्छा थायराइड ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है अभी बताया मैंने, एक थायरोक्सिन और दूसरा कैल्सिटोनिन, तो थायरोक्सिन तो आयोडीन से बना होता है और कैल्सिटोनिन में आयोडीन नहीं होता है, तो देखो कौन सा होगा, इट इज सीक्रेटेड बाय पैरा फॉलिकुलर सेल, अरे पैरा फॉलिकुलर सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, और फॉलिकुलर सेल से थायरोक्सिन, अरे नहीं समझ में आया क्या, अच्छा क्या वो जो कैल्सिटोनिन है क्या वो पीटीएच के एंटागोनिस्ट है, अरे अभी तो बताया, अच्छा तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो यार, मैंने कहा कि नॉन आयोडाइज हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड, तो ये किसकी बात हो रही है, कैल्सिटोनिन, तो कैल्सिटोनिन के लिए कौन कौन से ये ऑप्शंस करेक्ट हैं, क्या पहला करेक्ट है कि नहीं है, वो पैरा फॉलिकुलर से रिलीज होता है, ये बात क्या है, सही है, इट इज सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू हाइपर कैल्सीमिया, तुम बेटा हंसे जा रहे हो क्लास में और कंटिन्यूअसली हंस रहे हो बेटा, तुम आप नहीं हो ना, थोड़ा सा आपने अब तक जितना दिन पढ़ा बस हमको हंसते हुए देखा है ना, इसलिए आपको समझ नहीं आ रही है, और तुमने बताया नहीं थोड़ा सा कि जब मैं बोलूं तो तुम मत बोला करो, ये बोला था ना आपको, प्लीज मत किया करो बाबू ना, थोड़े से समझदार है, समझदारी में रखो। हाँ तो बेटा ये कैल्सिटोनिन जो ये किससे रिलीज होता है, पैरा फॉलिकुलर सेल से, दूसरी बात कौन सी है, हाइपर कैल्सीमिया, बिल्कुल सही बात है भाई, कैल्सियम को कंट्रोल करने का काम करता है, और तीसरा पीटीएच क्या होता है, एंटागोनिस्टिक। चलो 12 नंबर बताओ, कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम बैलेंस करता है बॉडी में, क्या टीसीटी सही बात है, अभी तो बताया थायरोकैल्सिटोनिन, क्या पीटीएच, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ, इसने बोला है कैल्शियम कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल तो दोनों ही करते हैं आवश्यकता के हिसाब से, कब हड्डी से ब्लड और कब ब्लड से हड्डी वाली बात। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नोन हैव अ कैलोरीफिक इफेक्ट, कौन से हार्मोन की कैलोरीफिक इफेक्ट देखी जाती है, T3 एंड T4 को ही क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं, तो ये ऑप्शन ही हो जाएगा, टीसीटी मत बोल देना जोश जोश में आके, वो सिर्फ कैल्शियम मैनेजमेंट संभालता है, पीटीएच भी कैल्शियम मैनेजमेंट संभालता है, तो ये दोनों हार्मोन आपके नहीं हो सकते, सिर्फ कौन होगा, T3 और T4। देखो बाबू ये सब तुम तभी कर पाओगे जब तुम क्लास में अच्छे से लेक्चर को फॉलो कर रहे हो और घर पे थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, ये पीनियल की तो बात हमने कर रखी थी, तो इसके क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं,
आगे देखता हूँ इससे क्वेश्चन है कि नहीं। ये भी करा रखा था आपको, गायनेकोमास्टी वगैरह करा दिया था ना। चलो अगला क्वेश्चन, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन कौन सा हार्मोन निकालता है, कौन सा ग्लैंड? पीनियल। अरे वो बताया था थर्ड आई, बताया था रिदम वाला। तो वो क्या करता है, क्या वो डायगनल रिदम? डायगनल रिदम मतलब होता है दिन और रात का मैनेजमेंट। बिल्कुल, मैंने कहा रात में सोना चाहिए लाइट ऑफ करके, ऐसा बताया था आपको सब कुछ। क्या वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है फीमेल के अंदर? मैंने कहा था वो 13 साल तक जो फीमेल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं करती है वो बिकॉज ऑफ पीनियल ग्लैंड के मेलाटोनिन की वजह से। जैसी वो 13 साल की पहुंच जाएगी 14 साल की, उसकी ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो भी किसकी वजह से? पीनियल। तो ये भी करता है वो भी करता है। क्या मैं बताया था डिफेंस, मैंने बहुत डिटेल समझाया था पीनियल। मैंने कहा था बीमारी से बचना, रात में जो है खाना कम से कम खाना वगैरह, सारी बातें मैंने समझाई थी आपको। तो भैया ये क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ। ये भी हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इज रेगुलेटेड बाई, क्या एस्ट्रोजन से होता था? अरे भाई बिल्कुल, प्रोजेस्टेरोन को मैंने बताया था प्रेगनेंसी हार्मोन, वो भी करता है प्रेगनेंसी टाइम पर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल के अंदर। तो बोथ वन एंड टू, यही दो समझाया फिलहाल आपको। थाइमोसिन तो थाइमस का है, वही पढ़ाया नहीं मैंने आपको ना। चलो ये क्वेश्चन भी कर गए आप, जितना पढ़ाया सिर्फ उतने ही क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, ताकि अभी थाइमस तो पढ़ा नहीं और एडर्नल भी नहीं पढ़ा है, ये सब चीजें अभी थोड़ी देर बाद आएंगी आपकी। अगला चलिए आते हैं, थायरोक्सिन ब्रिंग्स अबाउट एफेक्ट ऑन टारगेट सेल बाय, थायरोक्सिन जो है, एक सेकंड ये अभी नहीं करा है, ये थोड़ा बाद में आएगा। ओके ओके ठीक है ठीक है, ये वाला कर सकते हो आप, ये कर सकते हो क्या है? नहीं रिसेप्टर नहीं कराया ना अभी आपको, रुक जाओ रुक जाओ, ये रिसेप्टर के क्वेश्चन हैं, सॉरी। डॉर्फिज्म कौन से हार्मोन से कंट्रोल होता है? जीएच। और किससे ग्लैंड से होता है? पिट्यूटरी। ये सब पता है ना आपको, एक्रोमिगेली ग्रेट खल्ली वाला, बच्चों के अंदर गाइगेंटिज्म ये बताया था, अभी क्रेटिज्म डिस्कस किया, थायरोक्सिन, सिंपल गोइटर थायरोक्सिन, मिक्सिडिमा थायरोक्सिन, एक्सोथर्मिक भी थायरोक्सिन, ये बाकी अभी आगे आएंगे, मिस्थेनिया ग्रेविस थाइमोसिन, आगे बताऊंगा अभी व्यस्त। तो चलो अब लास्ट में मिक्स क्वेश्चन आ गया अब हमारे पास, वो करते हैं चलिए। हाँ पहला क्वेश्चन बताइए सारे बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड अंडर हेट्रोक्लाइन ग्लैंड, बहुत सही क्वेश्चन है, गोनेट्स, वेरी गुड। हेट्रोक्लाइन का मतलब जो हार्मोन भी रिलीज करता हो और एंजाइम भी रिलीज करता हो। एंडोक्राइन क्या करता है? रिलीज हार्मोन। एक्सोक्राइन क्या करता है? एंजाइम। और जो दोनों करे, हेट्रोक्राइन। दो ग्लैंड याद रख लो हेट्रोक्राइन, सबसे मेजर, पहला पेनक्रियास जो इंसुलिन हार्मोन भी रिलीज करता है, और पेनक्रियाटिक जूस जो कि एक एंजाइम है वो भी रिलीज करता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है और यहां पर हार्मोन निकाल के भी अपना काम दिखा लेता है, तो वो हेट्रोक्लाइन है। दूसरा गोनेड, गोनेड आपका एंजाइम रिलीज करता है, जैसे स्पर्म के अंदर सेमाइलिन वेसिकल का एंजाइम, फीमेल के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड से एंजाइम, और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब गोनेडिक हार्मोन ही तो है, तो ये दोनों मैनेजमेंट संभालता है। इसका आंसर क्या जाएगा? गोनेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेट्रोक्लाइन ग्लैंड है। अगला बताओ, अगला तो छोड़ो अभी, हाइपोफाइसिस, हाँ हाइपोफाइसिस इज लिंक्ड विद द हाइपोथैलेमस थ्रू, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ रेगुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस रिच एडिनो हाइपोफाइसिस थ्रू। एडिनो हाइपोफाइसिस से कौन सा कॉर्डिनेशन होता है? दो होते थे ना, न्यूरो हाइपोफाइसिस जो न्यूरॉन से होते थे, और एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस जो ब्लड सर्कुलेशन पोर्टल सिस्टम, थर्ड ऑप्शन। यहां तो आपने यहां इस्तेमस किसने बोला? इनफंडिबुलम होगा ना। चलो नोट्स खोलो, नोट्स खोलो, चलो जहां देखो मैंने आपको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में एक डंडा बताया था पाइप, नोट्स खोलो चलो जल्दी, सारे बच्चे खोले नोट्स, मैंने साफ साफ एक वर्ड लिखवाया था इनफंडिबुलम, नोट्स खोले, दिखा दिखा, हाइपोथैलेमस में इनफंडिबुलम है। इस्तेमस कहां बताया था? चलिए बताइए, इस्तेमस कहां बताया था? थायराइड के अंदर बताया था, और इसने पूछा क्या है? हाइपोथैलेमस। शब्द का ध्यान रखेंगे, सब लिखवा रखा है आपको, यहां जितना भी कॉन्टेंट मैं दे रहा हूं ये कोई मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से कम का कॉन्टेंट नहीं है भाई, मैं पहले बता के चल रहा हूं, जितना एक्सपीरियंस है मुझे इस फील्ड में पढ़ाने का ना, नीट में एनफ है किसी के सिलेक्शन के लिए, मुझे पता है कितना काम की चीजें हैं, ठीक है, रेलिवेंट चीज है। तो मैंने इस्तेमस का बता रखा था डिटेल डायग्रामेटिकली भी कि वो थायराइड का पार्ट है, और इनफंडिबुलम मैंने 3 बार सिखाया आपको कि हाइपोथैलेमस जो कि डाइसेफलॉन का पार्ट होता है, वहां से जैसी पिट्यूटरी में आओगे तो बीच का एक डंडा आएगा, वो डंडे के बाद पिट्यूटरी 2 भाग में बढ़ जाता है, एक एंटीरियर और दूसरा एक अपना दूसरा पराया, पराया वाला न्यूरॉन से होता है,
जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, और अपना वाला पोर्टल सिस्टम से होता है जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। अरे नहीं समझे, पराया वाला सिर्फ दो ही करता है, पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या था? एडीएच, एमडीएच नहीं, एडीएच। अगला बताओ, चलो छठा नंबर क्वेश्चन, डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ बोन ऑफ बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट का बोन बढ़ गया ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच आफ्टर एडोलेसन। बेटा एडोलेसन बोला मतलब उस बंदे को इसने अडल्ट बना दिया। अगर बोलता है एडोलेसन से पहले तो यही बीमारी गाइगेंटिज्म बन जाता। इस पूरे क्वेश्चन में खेल कहां था? ओवर, ये आफ्टरवर्ड का खेल था बेटा। अगर बिफोर होता तो सवाल का जवाब कुछ और होता, ये समझे। बिफोर का मतलब चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब गाइगेंटिज्म, आफ्टर का मतलब अडल्टहुड, और अडल्टहुड का मतलब मैक्रोमिगैली, ग्रेट खल्ली वाला, याद है। अगला बताइए, द प्राइमरी टारगेट ऑफ द हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस इज, हाइपोथैलेमस जो कि मास्टर है वो किसको संभालता है? पिट्यूटरी। डन है, डन एंड डस्टेड, ओके फाइन। द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन दैट डज नॉट स्टिमुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड इज, इसमें से किसको जो है वो नहीं संभालता है? एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन दैट डज नॉट स्टिमुलेट अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन से वाले को ये नहीं संभालता? अडीनोकॉर्टिकोफिन, ये क्यों? वैसोप्रेसिन वाला हार्मोन, वो अभी बताया नहीं है लेकिन इसलिए कोई बात नहीं, बट आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए एलएच की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एलएच याद है क्या करता था? ओवम को ओवरी से निकालता था। मैंने कहा था अगर फीमेल की 28 दिन की पीरियड की साइकिल है तो 14वें दिन पे उसके ओवरी से एग बाहर आ जाएगा, कहां? फैलोपियन ट्यूब पे। तो वो निकालने में जिसका रोल था वो कौन हार्मोन था? एलएच। अगर एलएच नहीं होगा तो फीमेल के सारे ओवा कहां पड़े रहेंगे? ओवरी में। और ओवरी में पड़े रहने से फर्टिलाइजेशन थोड़ी ना होता है। फर्टिलाइजेशन तो जब तक फैलोपियन ट्यूब में ना आ जाए तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो वो करवाता कौन है? एलएच। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हेल्प्स इन रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम दी, ओवम बोले तो अंडा और ओवरी बोले तो अंडे का गोडाउन। तो गोडाउन से उस अंडे को निकाल के फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाने का कौन काम करेगा? एलएच। और अपने अंदर मेल के अंदर एलएच क्या करता था बेटे बताओ? लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या करते थे? एंड्रोजन, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। अपने अंदर एलएच की गड़बड़ी हो गई तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा। आगे कुछ नहीं बोलना सब, ठीक है? प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत भुगत रहा हूं इसको। पता नहीं क्या कुछ होता है यार, पता नहीं कोई कोई भी मैसेज कमेंट। भाई साहब मैंने एंटरटेनमेंट की थोड़ी बात बीटीएस की बोलना दी, यहां तो भाई लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उनको पर्सनली गाली दे दिया हो, उनके किसी फैमिली मेंबर को मैंने कुछ बोल दिया हो। एक तो पता नहीं कमेंट आया, मैं रास्ते में ट्रैवल करता, मैंने देखा नहीं बहुत, पता नहीं क्या था कि ऐसे बिलबोर्ड टाइप के ऐसे कुछ होते हैं, इनको पता नहीं क्या क्या था। मैंने सोचा मैं क्या कमेंट करूं, अब ठीक है कोई नहीं। तो किसी, अच्छा उसमें मेरे किसी एक स्टूडेंट ने मैसेज भी किया था, लड़के ने, मतलब डिफेंडिंग ऑफेंडिंग चल रहा था। तो मैंने सोचा कि यार तो ये मार जैसा हो जाएगा यहाँ पे, अब तो कुछ पर्सनल हो जाए, दिक्कत हो सकती है, भाई मेरा आईडी मेरा पोस्ट है ना। फिर मुझे उसको जो है उठा के अपने प्रोफाइल ग्रिड से हटाना पड़ा, डिलीट ही किया मैंने, भाई वो नहीं करूंगा, वो तो हारने वाली बात हो जाएगी। बस थोड़ा सेपरेट किया है कि हाईलाइट हो गया, कोई वहां पर छेड़छाड़ ना करे। लेकिन ये ऐसे लोग भाई सच में साइको ही होती है यार। मैंने तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए किया था, यहाँ तो किसी के ताऊ को ऐसे गाली लग गई है वैसे लग रहा है। हाँ एक ने वही था उसका था कि एटलीस्ट वो जो लोग हैं अच्छा गाना तो गाते हैं। अच्छा छोड़ो अड्डा, प्लीज प्लीज इस बात को यहीं खत्म करें, मुझे अब पंगा नहीं करना है, ठीक है? वो अगला देखो भाई। हाँ, कंटिन्यूअस सिक्रीशन ऑफ मिल्क इज मेंटेन्ड बाय, बेटा मिल्क का बनना प्रोलैक्टिन और मिल्क का निकलना ऑक्सीटोसिन, क्या आंसर होगा? अच्छा इसमें है क्या, कंटिन्यूड सिक्रीशन ऑफ मिल्क इज मेंटेन्ड बाय, इसमें से किससे मेंटेन किया जाता है? नहीं सिक्रीशन बोला है ना इसने, एलएच होगा इसमें, क्योंकि एलएच ही जो है ना फिर ऑक्सीटोसिन को इनडायरेक्ट मैसेज पहुंचाता। वैसे सिक्रीशन ना देके ना कंटिन्यूटली बोल सकता था फॉर्मेशन, सिंथेसाइजिंग बोलता तो आंसर प्रोलैक्टिन होता, ठीक है? चलो हाँ ये बता दो भाई, ये तो साफ समझ में आ रहा, मिल्क इजेक्शन हार्मोन, मिल्क निकालने का ऑक्सीटोसिन। हाँ वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए। मैक्सिमम आयोडीन इज स्टोर्ड इन, अबे थायराइड क्या सोच रहे हो, इसमें होता है क्या? पहले चरण में कभी आयोडीन बताया मैंने? सोचना ही मत। हाँ ये सवाल है भाई तगड़े वाला,
किसी व्यक्ति का थायराइड सिक्रीशन जो है इन्फेंसी मतलब बचपन से क्या है खत्म, इन्फेंसी मतलब इन्फेंट से ही क्या हो गया बेटा तुम पैक वैक कर ली हो आय दादा है इन्फेंसी लीडिंग टू ड्वार्फिज्म एंड मेंटल रिटार्डेशन इज इन्फ्लुएंस अंडर अरे बोला ना दिमाग से पैदल क्या किनेटिज्म मिक्स एडिमा अडल्ट सिंपल क्वार्टर ग्रेव एडल्ट इकलौता भी जस्ट बताया बालक में होता भाई बालक में छोटे छोटे जो पीछे बैठे हैं ना वो चार अगला एक्सोथैल्मिक क्वार्टर इज कॉज ड्यू टू हाँ हाइपर बोलोगे ये वाला ना यहां देखो हाइपर के बाद पैरा लगा दिया है तो यहां ध्यान रखिएगा क्या होगा आंसर हाइपर थायरॉइडिज्म सॉरी वो हाइपो है ये रहा हाइपर अरे मैं तुम्हें देख रहा था ना उधर थोड़ी दिख रहा है मेरे को हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर केराटिज्म ऑफ कोर्स थायरोक्सिन अरे क्या सोच रहे हो क्या ये होगा ग्रोथ क्या ये होगा पैराथॉर्मोन क्या कैल्सिटोनिन क्या जनता ये होता है हर्षदीप एक बार टेस्ट में अच्छा नंबर आ गया उसके बाद तुम पढ़ना छोड़ दोगे कंटिन्यूअसली बात कर रहे हो बेटा हंस हंस के उस बेंच में ऐसा क्या है जो तुम लोग आपस में लगाव हो गया एक दूसरे से हाँ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम कैल्सिटोनिन ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है चलो अब एक काम करो मैं जिससे बोल पूछूंगा ना वो जवाब देगा ठीक है ऐसे तो तुम सब दे दे रहे हो चलो रेडी पूछे टाइम हो गया जा सकता है वो जिसको जाना है वो चला जाए जाने वाले को किसने रोका आज तक कौन रोका है हाँ क्या पिट्यूटरी अगला हो गया शायद ना इतना ही हमने पढ़ा था ये सब अभी पढ़ा नहीं है ना हम लोगों ने ठीक है जा सकते हैं आप लोग जाइए